दोस्तों 2022 में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स एंड बाइक्स की अगर बात की जाए तो 2022 में काफ़ी सारे नया कंपनियां इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में, जहां पर आपको काफ़ी अच्छा ड्राइविंग रेंज के साथ साथ टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। इन सारे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टी बॉडी डिजाइन के साथ लुक्स भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ऐसे ही टॉप 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में, जो कि इंडिया की लगभग सारे स्टेट में अवेलेबल हो चुका है, और इसी के साथ साथ जानेंगे उन सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स की ऑन रोड प्राइस के बारे में। दोस्तों यहां पर लिस्ट की नंबर 5 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए वो है होप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का होप ऑक्सो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के सेगमेंट में आता है, जहां पर आपको स्पोर्टी कॉमिटर टाइप बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा कंफर्टेबल सीट इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में दिया गया है। दोस्तों यहां पर ड्राइविंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आपको 150 किलोमीटर का ओवरऑल ड्राइविंग रेंज देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को आप 90 km/h का मैक्सिमम स्पीड में एक्सीलरेट कर सकते हैं। बाइक की मोटर एंड बैटरी की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 3.75 kWh का एडवांस लिथियम आयन बैटरी को लगाया गया है, जिसको चार्ज करने में 4 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। मोटर की अगर बात की जाए तो 72 volt 3 kWh का BLDC हाफ मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों राइडिंग मोड्स की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाता है, इको, पावर एंड स्पोर्ट्स राइडिंग मोड। अब दोस्तों ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो होप ऑक्सो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस है 1,25,500 rupees डेली शोरूम के हिसाब से। बाकी सारी स्टेट्स की ऑन रोड प्राइस को जानने के लिए आई बटन में जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों लिस्ट की 4th इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है वन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का वन इलेक्ट्रिक क्रेडिन। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डेली में काफ़ी सालों पहले लॉन्च किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा पॉपुलर है। दोस्तों यहां पर बाइक की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको काफ़ी अच्छा रेट्रो क्लासिक मास्कुलर बॉडी डिजाइन दिया गया है, इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छा ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। 3 kWh का एडवांस लिथियम आयन बैटरी लगाया गया है, जिसको चार्ज करने में आपको 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 110 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। इसी के साथ इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को आप 95 km/h तक एक्सीलरेट कर सकते हैं मैक्सिमम स्पीड में। दोस्तों यहां पर प्राइस की अगर बात की जाए तो वन इलेक्ट्रिक क्रेडिन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस है 1,55,500 rupees डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों लिस्ट की 3rd इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है रिवोल्ट RV 400, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में स्पोर्टी नेकेड बॉडी डिजाइन के साथ साथ काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। थ्री पॉइंट ट्वेंटी फोर kWh का एडवांस लिथियम आयन बैटरी लगाया गया है इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में, जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। 3000 watt का मिड ड्राइव मोटर इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 85 km/h का मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करवाता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 150 यानी कि 150 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं। अब दोस्तों प्राइस की अगर बात की जाए तो रिवोल्ट RV 400 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस है 1,31,300 rupees डेली शोरूम के हिसाब से। तो दोस्तों लिस्ट की 2nd इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए, जिसका नाम है ओवेन रोर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आपको रेट्रो के साथ साथ स्पोर्टी बॉडी डिजाइन का मिक्सअप देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी ज़्यादा एडवांस एंड पावरफुल लगता है देखने में। तो दोस्तों यहाँ पर बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आपको 10 kWh का परमानेंट मैग्नेट मोटर लगाया गया है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को आप 100 km/h तक मैक्सिमम स्पीड में एक्सीलरेट कर सकते हैं। बैटरी की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 4.4 kWh का एल्युमिनियम डाई कास्टिंग बैटरी लगाया गया है, जिसको चार्ज करने में सिर्फ 2 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की प्राइस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को काफ़ी अट्रैक्टिव ऑन रोड प्राइस में आप खरीद सकते हैं। ओवेन रोर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस है 1,10,000 rupees डेली शोरूम के हिसाब से। तो दोस्तों इस लिस्ट का नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है टॉर्क इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का टॉर्क क्राटोस। दोस्तों इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पोर्टी एंड पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है टॉर्क क्राटोस, जहां पर आपको स्पोर्ट्स नेकेड बॉडी डिजाइन के साथ साथ काफ़ी सारे एडवांस पावरफुल फीचर्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों बाइक की मेन स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में आपको 4.0 kWh का टॉर्क लायन बैटरी लगाया गया है,
जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। बाइक में आपको 105 km/h का मैसिव टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 180 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकता है। अब दोस्तों प्राइस की अगर बात की जाए तो टॉर्क क्राटोस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का एक शोरूम प्राइस है 1,22,500 रुपीज़ डेली शोरूम के हिसाब से। ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो 1,36,900 रुपीज़ है इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस डेली शोरूम के हिसाब से।